हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नसीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने पाकिस्तान का एक मिली तराना सुना है, जो फिल्म बेदारी में 1957 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें ये गाना जो था शामिल किया गया था और इस गाने पर परफॉर्म किया था संतोष कुमार साहब ने। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया है कि इंडिया की फिल्में उठाकर पाकिस्तान में कौमीयत के नाम पर बनाई गई और गाने भी मिनवान वहीं पर वही म्यूज़िक वही बोल पाकिस्तानी फिल्मों में भी शामिल किए गए। ये जो मिली तराना आपने अभी शुरू में सुना है, ये दरअसल इंडिया की एक फिल्म जागृति का तराना है, जो उस फिल्म में शामिल किया गया था और उसके वही बोल जो हैं वो पाकिस्तानी फिल्म में भी शामिल किए गए। सिर्फ बात यही नहीं है, जागृति जो थी 1954 में रिलीज़ हुई थी और उसकी जो कहानी थी वही कहानी जो है पाकिस्तान की फिल्म बेदारी में भी शामिल की गई, यानी कि कहानी भी वही है। और ये मिली तराना जो है इसमें थोड़ा सा रद्दबदल करके जो इसका जो थीम है बिल्कुल वैसा ही है, वैसी ही सिचुएशन के साथ ये जो मिली तराना है ये पाकिस्तानी फिल्म बेदारी में शामिल किया गया और दावा किया गया कि पाकिस्तान में कौमियत को उभारने के लिए, बच्चों के अंदर पढ़ाई का जज्बा पैदा करने के लिए और एक नेशन बनाने के लिए हमें जिन जज्बों की ज़रूरत है वो फिल्मों के ज़रिए से पूरा किया जाएगा। और इसके लिए जो मनसूबा ये बनाया गया था कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसी फिल्में रिलीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तानी कौम के अंदर हर तरह के एहसास महरूमी भी ख़त्म होगा, कौमियत जो है वो भी जागेगी और बच्चों के अंदर पढ़ाई का जो है जज्बा पैदा होगा तो वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे उनके साथ हालात कैसे भी हों। और फिल्मों के ज़रिए से उनको मोटिवेट करके ऐसा दर्स दिया जाएगा कि एक बेहतरीन कौम जो है हम बन सकेंगे। अब ये जो कहानी जो थी जागृति की वो सेम बेदारी में शामिल की गई और मिली तराना जो है बिल्कुल वही है। वो आज उसका क्लिप भी मैं सुनाऊंगा कि जो मिली तराना दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था वही गाना जो है बाद में पाकिस्तान में बेदारी फिल्म में जो मेरी इसके संतोष कुमार साहब पर जो फिल्माया गया है ये सलीम रज़ा ने गाया था। और ये इसके बारे में ये कहा गया था कि सलीम रज़ा ने जो गाया है उसमें रफ़ी साहब को उन्होंने मात दे दी है। सलीम रज़ा का अपना एक मुकाम था, अपनी आवाज़ की एक अपनी उठान थी, पिच था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का अपना एक अंदाज़ था। ये मैं बात भी बता दूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको जब गाया था तो इसमें लफ्ज़ कश्ती की बजाय किश्ती लफ्ज़ जो था बोला था, वो आज इस वीडियो के क्लिप में आप सुन भी सकते हैं जो रफ़ी साहब ने गाया है। लेकिन सलीम रज़ा साहब ने जब इसको गाया था तो फिर इसको कश्ती बोला था और कश्ती ही लफ्ज़ जो है लुगत के एतबार से दुरुस्त है। ये पता नहीं क्या वजह बन गई कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे एक गुलकार से ये जो मिली तराना है उसमें लफ्ज़ किश्ती जो है उनसे अदा करवाया गया था। बाहर इस पर बहस हो सकती है कि बाज़ लोगों के हाँ हो सकता है कि किश्ती लफ्ज़ भी जो है वो दुरुस्त हो, लेकिन लुगत के इतबार से ये कश्ती ही लफ्ज़ था और मोहम्मद रफ़ी साहब से ये गलत जो था गवाया गया था। अब एक और बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि इस फिल्म की पाकिस्तान में चरबा क्यों की गया, मिली तरानों को चरबा क्यों किया गया, इसकी बुनियादी वजह थी कि उस फिल्म के अंदर जो जागृति फिल्म थी उसके अंदर रतन कुमार भी शामिल थे, उन्होंने उसमें बचपन का एक रोल अदा किया था। और वही रतन कुमार आज की मेरी शुरू की वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि रतन कुमार साहब का एक डायलॉग भी है जो इसमें मैंने शामिल किया है। ये वही रतन कुमार हैं जो बाद में पाकिस्तानी फिल्मों में हीरो बने थे और उनकी ये पहली पाकिस्तान के अंदर फिल्म थी बेदारी, जिसमें उन्होंने काम किया और ये भी उनके भाई ने प्रोड्यूस की थी। और ये सारे का सारा जो फैमिली जो थी ये फिल्म के साथ वाबस्ता थी, वही फिल्म का आइडिया जो था इंडिया से लेकर पाकिस्तान आए और वही कहानी और वही जो मिली तराने थे उनके वो बेदारी में भी शामिल किए गए। और इसके बारे में दो तरह की बातें की जाती हैं कि जब बेदारी पाकिस्तान में लगी तो ये फलाप हो गई थी और कुछ का कहना था कि ये एवरेज तौर जो है कामयाब हुई, लेकिन जब ये पता चला फिल्म को कॉपी करके इसको पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया है तो इस पर फिर सख्त एहतजाज किया गया था और इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसके चूंकि ये जो तराने इस फिल्म में शामिल थे वो मारूफ हो गए। अब आपको बताऊं कि ये जो तराना जो था इसको कंपोज किसने किया था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताने लगा हूँ। नुसरत फ़तेह अली खां के वालिद फ़तेह अली खां साहब ने इस फिल्म के मिली तराने जो थे उन्होंने कंपोज किए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये तराने बड़े मारूफ हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में ये फिल्म बड़े दावे के साथ ये पेश की गई थी कि हमने एक बड़ी यूनिक फिल्म जो है वो बनाई है जिससे कौम का मोराल जो है हम बुलंद कर सकते हैं, कौम के अंदर बेदारी पैदा कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब
पता चला कि ये तो इंडिया की फिल्म की कॉपी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बहुत सारे सीनियर्स लोगों को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और इतने ज़राए अबलाग नहीं थे कि लोगों को बरवक्त पता चल जाता कि कौन किसकी कॉपी करता है। लेकिन जाते जाते आपको एक और मैं बात बता दूं कि इंडिया ने जो फिल्म जागृति थी वो भी बंगाल की एक फिल्म से कॉपी की थी, उसी का वो चरबा थी। लेकिन फिल्म की दुनिया में ऐसी चरबासाजी होती रहती है, नावलों से माखूज की जाती हैं, हॉलीवुड की फिल्मों से मुतासर होकर फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन बताया नहीं जाता, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और फिर जो जानते हैं वो इसके बारे में लिखते हैं तो फिर एक शर्मिंदगी का तूफान भी उड़ता है और उन लोगों से ये सवाल करता है कि तुमने तो बड़े कौमी जज्बे के साथ, कौमी उमंग के साथ, बड़े दावों के साथ कहा था कि हमने बड़ी पाए की तख्लीक की है, लेकिन तुमने तो चरबा किया और ये बताया क्यों नहीं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के।